दुनिया का मशहूर और अमीर तानाशाह सद्दाम हुसैन की कहानी सुने। इराकी बादशाह सदर सद्दाम हुसैन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। सद्दाम को सरप्राइज देने की योजना बनाई गई। पुराने कबाड़ खाने से एक छोटी मेज और चमड़े के कवर की कुर्सी निकाली गई और मेज के ऊपर इराक का एक छोटा सा झंडा लगाया गया। सद्दाम हुसैन के अमरीकी सैनिकों ने एक बंकर से गिरफ्तार किया था। वार्डेन वर पर लिखते हैं, इस सब के पीछे विचार यह था कि हम जेल में भी सद्दाम के लिए एक शासनाध्यक्ष के दफ्तर जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही सद्दाम उस कमरे में पहली बार घुसे, एक सैनिक ने लपक कर मेज पर जमाई धूल को झाड़न से साफ करने की कोशिश की। सद्दाम ने इस जेस्चर को नोट किया और वो कुर्सी पर बैठते हुए जोर से मुस्कुराए। सद्दाम रोज उस कुर्सी पर आकर बैठते और उनकी सुरक्षा में लगाए गए सैनिक उनके सामने रखी कुर्सियों पर बैठ जाते। माहौल यह बनाया जाता जैसे सद्दाम अपना दरबार लगा रहे हों। वार्डेन वर पर बताते हैं कि सैनिकों की पूरी कोशिश होती थी कि सद्दाम को खुश रखा जाए। बदले में सद्दाम भी उनके साथ हंसी मजाक करते और वातावरण को खुशनुमा बनाए रखते। कई सैनिकों ने बाद में वार्डेन वर को बताया कि उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता तो सद्दाम उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते। सद्दाम को जब भी मौका मिलता तो वो अपनी रक्षा कर रहे सैनिकों से उनके परिवार वालों का हालचाल पूछते। इस किताब में सबसे चकित कर देने वाला किस्सा वो है जहां यह बताया गया कि सद्दाम ने मरने पर इन सैनिकों ने बकायदा शोक मनाया था, जबकि वो अमेरिका के एक कट्टर दुश्मन माने जाते थे। उन सैनिकों में से एक एडम रॉजर्सन ने विल वार्डेनवर पर को बताया था कि सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद हमें लगा कि हमने उनके साथ गद्दारी की है। हम अपने आप को उनका हथियारा समझ रहे थे। हमें ऐसा लगा कि हमने एक ऐसे शख्स को मार दिया जो हमारे बहुत नज़दीक था। सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद जब उनके शव को बाहर ले जाया गया तो वहां खड़ी भीड़ ने उनके ऊपर थूका था और उसके साथ बदसलूकी की थी। अमेरिकी सैनिक हैरान थे। वार्डेन पेपर लिखते हैं कि यह देखकर सद्दाम के अंतिम समय तक सुरक्षा करने वाले ये 12 सैनिक भौचक्के रह गए थे। उनमें से एक शख्स ने भीड़ से दो दो हाथ करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें वापस खींच लिया था। उन सैनिकों में से एक स्टीव हंचिनसन ने सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद अमेरिकी सेना से इस्तीफा दे दिया था। हंचिनसन इस समय जॉर्जिया में बंदूकों और टेक्टिकल ट्रेनिंग का कारोबार करते हैं और उन्हें अभी भी इस बात का रंज है कि उन्हें उन इराकियों से न उलझने का आदेश दिया गया जो सद्दाम हुसैन के शव का अपमान कर रहे थे। जब हंचिनसन ने विरोध करना चाहा तो सद्दाम ने जबरदस्ती वो घड़ी उनके हाथ में पहना दी। हंचिनसन के जॉर्जिया के घर में एक शेफ के अंदर वो घड़ी अब भी टिक टिक कर रही है। यह खबर हमने बीबीसी के मार्फत संवाददाता अरशद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।